जबान देखी है तुमने इसकी? ये किस तरह बात करता है मेरे साथ, एनी के साथ? जवान बेटा, हाथ क्यों उठा रहे हैं आप उस पर? इसी दिन के लिए कहा था कि इसकी शादी मत करें, बच्चा है, नहीं उठा सकता है इन रिश्तों का बोझ। लेकिन यहाँ सुनता कौन है? अब जाए मैं इसको समझा लूं। क्या समझाएंगी अम्मा आप मुझे? यही तो जवाब है आप लोग के पास, हाथ उठा दो औलाद पे। हम समझते हैं, लेकिन हम बस थोड़ी सी रकम मांग रहे हैं अपने हिस्से में से। कौन सा हिस्सा? क्या मतलब कौन सा हिस्सा? इस घर में, कारोबार में हमारा भी हिस्सा बनता है। सही से तो लगाए। लगा रहा हूँ भाई। एक काम भी सही से नहीं करते हैं। करो सही। सायका, सायका, तू तो भाई यहाँ बैठी हो। अरे बताओ ना ज़हीर अस्पताल में कैसा है मेरा बच्चा? जी अम्मा, डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है ज़हीर भाई। अल्लाह पता नहीं किस कमबख्त की नज़र लग गई मेरे बच्चे को, अल्लाह उसको सेहत दे। मुझे तो लग रहा है कि बस ड्रामे ही हैं ताकि पैसे ना देने पड़े। हाँ हाँ हाँ, ये कैसी बात कर दी तुमने? सुन रहे हो, देख रहे हो क्या कह रहे हैं? क्या देखूँ अम्मा, हमें भी यही लग रहा है। जैसी शादी की दावतें खत्म हुई, सब कुछ खत्म हुआ, तो ज़हीर भाई दोबारा बीमार पड़ गए। पहले तो नहीं हो रहा था ऐसा। सायका, तुम अपने भाई के बारे में ऐसा सोच रहे हो? तो फिर क्या करें अम्मा, अब भाई साहब की तबीयत की खराबी की वजह से मौका ही नहीं मिल रहा उनसे बात करने का। हम तो बीच में लटक गए हैं। और अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी सोच पर सायका। वो भाई जो हर वक्त तुम पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार रहता है, उसके बारे में ऐसी बात कर रही हो तुम? जान नहीं चाहिए अम्मा, ऐसे चाहिए। क्या कहूँ तुम लोगों से, मेरा बच्चा अस्पताल में पड़ा है, तुम लोगों को अपने पैसों की पड़ी हुई है। कितनी खुदगर्ज हो तुम लोग, हद होती है भाई। मुझे क्या देख रही हो? चलो सीधी हो, सीधी हो। एक्सक्यूज मी भाभी, क्या हुआ भाई साहब को? फुर्सत मिल गई आपको? फोन मेरा बंद। तुम्हारा बहाने मत मनाओ, सब जानती हूँ मैं। कहाँ थे तुम? और ये आवाजें थी तुम्हें, सॉरी ड्रॉप। जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा ना, बहुत बड़ा, तभी तुम्हें अगले दिन ही खबर होगी। आवाजें देती रही मैं तुम्हें, लेकिन तुम होते तो जवाब देते ना। रात से हम अस्पताल में और तुम मेरा फोन। हाँ हाँ, तुम्हारा फोन, पता है कितने मसरूफ हो तुम और कहाँ। अच्छा छोड़े ये बातें, मैं चाचू आप मेरे साथ चलें, बाबा को देखने चलते हैं। उधर आए भाई साहब, आप ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आप बस जल्द से ठीक हो जाएं। भाई साहब, डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने से मना किया है, थोड़े दिन तक आराम कीजिए आप। ठीक कह रहा है ना, आराम करें आप, वैसे भी आपके दिल की ख्वाहिश तो पूरी हो गई है। अब भैया मुसलसल ख्वाब भी आ रहे, लगता है बुला रहे हो बजाय। कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे, अल्लाह करे हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए। जीते रहो, वो हकीम साहब ने बड़ी अच्छी दवा दी, बढ़िया है, खाते रहना, इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। चले अम्मा, मेरा पेपर, मैं जा रही हूँ स्कूल, ठीक है? अरे एक आध दिन तो रुक जाती, नई नवेली दुल्हन हो। भाभी बता रही ना, पेपर है उसका। अच्छा अच्छा, जल्दी से आ जाना दोस्तों में, मत बैठ जाना यहीं जाके। अच्छा, अरे ये क्या, नई नवेली दुल्हन और ऐसे मुँह भाई सर झाड़ खड़ी है? तो पप्पा मैं स्कूल जा रही हूँ एग्जाम देने के लिए, किसी शादी में थोड़ी ना जा रही हो। जहाँ भी जा रही हूँ, लेकिन ऐसे नहीं जा सकती। चलो आओ ना मेरे साथ, ऐसे नहीं जा सकती तुम बाहर। अम्मा लाओ हाथ दो, शादीशुदा लड़की ऐसे बाहर नहीं जाती, बस छुगनी होती है। वही आप क्या कर रही हैं? क्या बोलेंगे कि लड़के वाले ने कुछ भी दिया, लड़की को ऐसे भेज दिया। पापा आप खुद पता है मैं कैसे दूंगी पेपर इसने। ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना बुलाओ तुम्हारी अम्मा को। अरे नहीं नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। यानी बेटा पप्पो जो कह रही है करो। ठीक है, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर एग्जाम से भूल जाओ,
क्योंकि ऐसे तो मैं तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगी। शाबाश भाभी। मैं चाय रखी है, देख कर आती हूँ। हाँ, इतनी अच्छी लगती है। इधर देखो, मेकअप की तो जरूरत नहीं है ना? नहीं, बहुत जरूरत है, बिल्कुल। इतनी प्यारी लगती हो, अब सही लग रहा है। पता चलना चाहिए ना कि अभी तुम्हारी शादी हुई है, जेवर नहीं पहनोगे तो कैसे पता चलेगा? मैं पेपर नहीं दे पाऊंगी, इनकी आवाज बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं होता, तुम आ गई। मुझे तो लगा तुम पेपर ही छोड़ दोगी। पेपर जैसे छोड़ सकते हैं। क्या नहीं थी? एग्जाम देने आई हो या शादी में आई हो? बकवास ना करो, इसकी अभी भी शादी हुई है, तैयार नहीं होगी क्या? इनकी बातों पर ध्यान नहीं दो। नन्नी तो देखो जरा, नन्नी ने दुल्हन आ गई। अरे देखो देखो, नन्नी से दुल्हन आ गई। अकेली मायरी, नन्नी दुल्हन आ गई। सहेली मायरी, कहीं कह रहे हो? सहेली मायरी, दुखों की सहेली मायरी। कागजों की कश्तियों में बचपन को तैरना था, हम में खो गए क्यों मायरी। आप अपने पेपर पर फोकस करें, छोड़े इन सबको। समझ नहीं आई बात? कांटों पे सो गई क्यों तेरी जिंदगी, हर वर्ष पर आदर्श पर जीना महाल खाना लगाऊं? नहीं है भूख मुझे।
आइए मैं छोड़ देता हूँ आप। नहीं मैम, चली जाऊंगी, थैंक यू। अरे आ जाइए, कहाँ अभी इस गर्मी में आप सामान उठा के पैदल जाएंगे। आइए। मेहंदी मिटा रही हूँ जिसकी वजह से स्कूल में मेरा मजाक बन गया था। तो बच्चे क्या हो गया, लड़कियों की शादी नहीं होती है क्या? मेरी उम्र में तो नहीं होती ना अम्मा, और क्या ये नॉर्मल सी शादी है? मेरी इस मेहरी के साथ ना अम्मा, मेरी बेटी की शादी की भी खबर को पहुंच गई है। समझती क्यों नहीं है कि जब मैं स्कूल गई ना अम्मा, सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे बकरी का नमूना आ गया। अम्मा आईडी कोई नहीं पहन के जाता ये सब अम्मा मुझे। तो बच्चा हम वाकई में इस बात का बतंगड़ बना रही हो? अच्छा छोड़ो सब इसको, मैं नहीं समझ पाएंगे अम्मा। मेरा बच्चा, तुम नहीं कभी समझ पाओगे। अल्लाह अल्लाह बच्चे की हिफाजत कर। मेरी बच्ची को हौसला देना। यामना कौन है और तुम्हें क्यों कॉल कर रही है? जो भी हो तुमसे मतलब? हाँ मुझसे मतलब, और अगर आप तुम मुझे नहीं बताओगी ना मैं बड़ी अम्मी को बता दूंगी। शिकायती टट्टू बन जाती हो हर वक्त, चुप हो जाओ। अभी बताती हूँ बड़ी अम्मी। यार खामोश रहो, चुप। तो बता दो फिर तुम मुझे। कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अपने काम से काम रखो। हाँ मैं अपने काम से काम रखूँ और तुम सब मजे करो। कौन मजे कर रहा है? तुम और बाकी सब। कोई मजे नहीं हो रहे मेरे, तुम समझी? अच्छा अगर अभी तुम्हारा मूड खराब होगा तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाओगे और इसकी कॉल आई है तुम इससे बात नहीं करोगे, हाँ मैं क्या करूँ बताओ मुझे।
कोई इतना आसान नहीं है, भी समझो इस बात को। मैं भी उतना ही फंसा हूँ जितनी तुम फंसी भी हो। जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ मैं वैसे भी। कोचिंग पे जा रहे हो? नहीं जा रहा हूँ मैं कहीं। क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? कोई कुछ कह सकता है यहाँ पे? एक बिठा दिया मेरे सर पे, काफी नहीं है? एनी कुछ कहा? पूछ ले जाके यार उससे। अरे बता। क्या क्यों रो रही? हाँ फाखर कुछ कर? अरे फाखर ने नहीं, हमने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया। देखे ना, ठीक है, तुमने अपना गुस्सा किताबों पर, चूड़ियों पर। जिन चूड़ियों की वजह से ही तो बड़ी अम्मी मेरा पूरे स्कूल में मजाक बन गया है। मैं जब एग्जाम दे रही थी ना, तो ये जो सारी चूड़ियां है ना, ये चन 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 कर रही थी। सारी लड़कियां मुझे घूर घूर ये देख रही थी। मैं तो तैयार होके क्यों आई? फैमिली पापा ने मुझे जबरदस्ती ये चीजें पहनाई, मुझे तो पहननी भी नहीं थी। मैं मेरा पूरे स्कूल में मजाक बन गया है बड़ी अम्मी, मेरा पूरे स्कूल में मजाक बन गया। सब मुझे देख के हंस रहे थे, सारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे थे। मैं क्या करती? आप मुझे बताएं मैं क्या करती? बस बस मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। रोना बंद करो, रोना बंद करो। मैं बताती हूँ, बताओ। तुम जब स्कूल गई थी तो तुम वहां जाके अपनी ये चूड़ियां उतार के बैग में छुपा देती है ना, और लिपस्टिक साफ कर लेती। क्यों नहीं छुपाई तुमने बैग में? फैमिली पे बोली मुझे, वो तो वहां नहीं थी ना, किस स्कूल में थी ना? सुन फाखर, फाखर ने क्या कहा? बस कुछ नहीं, वो गुस्से में थी तो मैंने अपना गुस्सा उस पर निकाल। मेरे बेटे पे गुस्सा निकाल दिया? नहीं 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 बड़ी अम्मी, अच्छा किया, अच्छा उस पर गुस्सा निकाल। और गुस्सा है ना और भी निकाल देना। गुस्सा ये है कि अब सिर्फ तुम्हारा कजन नहीं है ना, तुम्हारा शौहर भी है ना, हस्बैंड है ना। तो अगर तुम उससे इस तरह लड़ोगी, मसले तो हल नहीं होंगे। गर्ल बॉस है ना, मैं सब बोल दूंगी उसे। सॉरी, आओ। मगर बाहर तो फेमी फूल हो गए तो मैं चूड़ियां पहन लेती हूँ। ये क्या है? ये नहीं करोगी तुम, कभी नहीं करोगी। चूड़ियां पहनने की जरूरत नहीं है।
आपको कभी तकलीफ नहीं दी। ऐसा भी कोई जमाना नहीं बदल गया भाभी, हमने तो आज तक अपने शौहर के बगैर खाना नहीं खाया। ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप सब इतने दिनों से आए, मैंने तो किसी को नहीं देखा किसी के इंतजार में भूखा बैठे हुए। तुम मेरे मायके में रहने के दिन गिन रही हो? नहीं नहीं पुप्पो, वो मैं बेटा नई नवेली दोनों की कुछ तौर तरीके होते, वो नहीं सीखे तो क्या हुआ, सब हाथ तो बड़ी अच्छी चलाना सीखी। अरे क्या हो गया फकीर, बाबी ने घर से निकाल दिया क्या? फाखिर कहाँ जा रहा है? हट से, तू जाके मजाक उड़ा मेरा उनके साथ। अच्छा सुन, एक मिनट के लिए आके बैठ। कोई नहीं बैठ रहा हूँ यार, तुम लोग मजाक उड़ाए जा रहे हो, जाओ करो जो भी कर रहे हो, जाओ बोल ना क्या हुआ है। यार तुमने अजाब कर दी उसने मेरी, जाके शिकायतें लगा रही अम्मा को सारी। तूने कुछ किया है क्या? करना था यार, मैंने आमना की कॉल आई उसने देख ली, उसके बाद तमाशा शुरू। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात तेरे लिए होगी यार, मेरी जगह खड़ा होके देख तुझे पता लगे। मैं तो सुकून से रहूंगा, बल्कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐश करूंगा। अरे अब्बा का बिजनेस संभालूंगा मैं। क्या हुआ भाभी की याद आ रही? तुम चिंता उतार के मारूंगा सारे, कतरे खत्म नहीं हो रही। सही काम करता है, तुम्हारा सारा गुस्सा खत्म कर देते हैं, हम सब मिलकर तुम्हें ट्रीट खिलाते हैं। खुदा का वास्ते आप रहने दे, मैं ठीक हूँ, आप अभी जाके मजाक ही उड़ाओगे और क्या करो। अरे कोई नहीं मजाक उड़ाएगा यार, मैं हूँ ना। आप है, मुझे इसी चीज का डर है। आसिर सॉरी कर, जल्दी सॉरी यार, सही से सॉरी कर यार, प्लीज ये मुझे दे दे यार, ये लो बस थोड़ी सी, बस ज्यादा नहीं, दो बोतलें ले लो। अरे अरे ये तो ज्यादा ही हो गया, जजाक। आयशा ये लो भाई, एनी को खाना डाल के दो। फाखिर का है? है वो बाहर गया हुआ है। क्या मतलब, ये क्या तरीका है बात करने का? बाहर गया हुआ है, बाहर गए हुए हैं, ऐसे बात करते हैं? पिटे सर इज्जत फाखिर का नाम लीजिए। जी वो बाहर गया है। मैं ये बातें पहले से सिखाने की होती है आयशा, और ये तुम उसके इंतजार किए बगैर कैसे आके बैठ गई? उसके साथ खाना नहीं खाओगी? अरे अम्मा छोड़े ना, वो आएगा तो खा लेगा, आप बिस्मिल्लाह करें बस। ये क्या बात हुई बोलत भाई, जब तक शौहर के हलक से निवाला ना उतरे जब तक बीवी खाने की तरफ देख भी नहीं सकती। इस तरह तो न जाने हम यानी कितने भूखे रहते हैं। क्या? कुछ नहीं अम्मा। वाह वाह वाह, शाबाश है बेटा शाबाश, यही सिखा रही हो बेटी को तुम है? आजकल की माँ ऐसी है, जब तो बच्चों को तमीज नाम की चीज नहीं है। ऐसा क्या हो गया अम्मा, जाने देना, अब खाना खाए। भाई भाभी भी तो आपके लिए भूखी जागती रही है, आप काम से आते थे तो गरम गरम रोटी बना के देती थी आपको, भाभी ने भी सारी जिंदगी यही किया है, हम सब ने भी यही किया है। अब जमाना बदल गया है ना, वैसे भी इसको भूख लगी होगी, कितनी देर भूखी रहेगी? ऐसा भी कोई जमाना नहीं बदल गया भाभी, हमने तो आज तक अपने शौहर के बगैर खाना नहीं खाया। ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप सब इतने दिनों से आए, मैंने तो किसी को नहीं देखा किसी के इंतजार में भूखा बैठे हुए। तुम मेरे मायके में रहने के दिन गिन रही हो? नहीं नहीं पुप्पो, वो मैं बेटा नई नवेली दोनों की कुछ तौर तरीके होते, वो नहीं सीखे तो क्या हुआ,
सबान तो बड़ी अच्छी चलाना सीखी। चल खाना। क्या तुम लोग लाई का बाहर में? सुकून से खाना तो खाना। तो क्या गलत कह रही है? हैं? हमारे ख्याल भी दकैन उसी हैं। तो क्या पूरे सारे रस्म रिवाज को छोड़ देंगे? तौर तरीकों को छोड़ देंगे? सारे अदब अदाब भूल जाएंगे? हैं? जाओ बेटा, जाके उसको फोन करो। उसको फौरन घर वापस आए। जाओ, इस वक्त तक उसको घर होना चाहिए था। तंग कर रखा इस लड़के ने। जाओ शाबाश। चलो भाई खाना शुरू करो। लाओ मुझे रोटी दो। समीना भाभी को देखा था? कैसे माँ से बढ़कर सास बन के ख्याल कर रही थी उसका। हाँ तो अम्मा ने भी तो सारे कसबल निकाल दिए। हाँ तो सही किया ना। अगर हमें ऐसा ससुराल मिलता ना तो हम भी ससुराल में ही रहते। इतनी हमदर्दी हो रही थी भाभी को उससे। अब नहीं होगी। अरे आयशा और समीना क्या जाने बहू को कैसे रखते हैं घर में। उनको क्या आती है तरबियत करनी? हम करेंगे ना तरबियत अपनी पोती की, तुम देख लो। भाई बात दरअसल यह है कि शादी के बाद इंसान की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। हमारी शादी इसी उम्र में नहीं है बल्कि इससे कम उम्र में हुई थी हमारी शादी। हाँ दूसरे दिन तुम्हारे अब्बा का घर ऐसा संभाला था कि किसी को एक शिकायत का मौका नहीं दिया कभी। इतनी खिदमत की सबकी। हाँ तो और क्या, बिल्कुल सही बात है। सही कह रही हैं अम्मा। समीना भाभी ने तो स्कूल भिजवा दिया। अरे ये तो दोनों की मिली भगत है। अब क्या करना पढ़ाई करके? अम्मा पढ़ लिया जितना पढ़ना था। हमें तो किसी ने इजाजत नहीं दी पढ़ने की, ना भाई साहब ने ना ही ससुराल वालों ने, तो इस पे इतना मेहमान क्यों आ जा रहा है? अरे हाँ ना, तो पढ़ने की जरूरत क्या है आखिर, जब चूल्हा चक्की करना आखिर में। तो मैं तो हमेशा मुखालफत की पढ़ाई की। हाँ तो और क्या। लेकिन अम्मा आप ना एनी को घर तारीख के बारे में बताएं, इसको पता होना चाहिए ना कि कैस क्या तौर तरीके हैं, कैसे संभालते हैं घर। हाँ तो हमारा तजुर्बा कब काम आएगा। हमें भी तो कैसे अम्मा ने सीधा रहा। और क्या था मेरी बहू ने तो देखो कैसे नाक की सीध में चलती हैं। हनी उठो यार,
हटो, सामान उठाओ अपना, शाबाश चलो मेरी बारी आज सोने की। हटो यार, ये नहीं करो प्लीज, बाहर जाओ यार। क्या है? चलो भाई उठो, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। अच्छा वो बड़ी हुई नवाब साहब, पूरे बिस्तर पे कब्जा किया। कल तो शिकायत लगा था सुबह से हुआ कि फाखिर, फाखिर उठो, यहाँ क्यों सो रहे हो? ओ यार उठो तो अपने कमरे में जाके सोना बेटा। छुड़ाने के लिए किया हुआ है वहाँ पे। या अल्लाह, कौन कौन आ गया तुम्हारे कमरे में? और एनिका, सुमीना भाभी देखे ना कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है, कह रहा है कमरे में कोई आ गया। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चलो जाओ कमरे में, तैयार हो। उस बला की वजह से जिसने मेरा कमरा हड़पा हुआ है, बिखराई भी सारी चीज़ें अपने बिस्तर पर। बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी मेरी बात सुने, मुझे कुछ खाने को दे दे। पूरी रात मैंने कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत भूख लगी है, और मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है बिना कुछ खाए। किसी को कहे कि मुझे स्कूल छोड़ के आए, इससे नहीं कहने वाली कि मुझे स्कूल छोड़ गया, ना ही मैं इसकी मिन्नतें करूँगी। आप या अल्लाह, मियाँ को कमरे से बाहर निकाल के अपने भूखे रोने गाने गा रही है और मियाँ की कोई फिक्र ही नहीं है। कैसा ज़माना आ गया है भाभी, आपको सख्ती करनी पड़ेगी। तुम फिक्र ना करो, किचन में चलो, मैं तुम्हें नाश्ता देती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगी स्कूल, समझी तुम? तुम उठो। मैं कहीं नहीं उठ रहा हूँ, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी इसकी वजह से। मेरी वजह से? अच्छा तुम्हें रात को जल्दी आ जाते ना तुम जरा। हाँ तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मुझे क्या झेलना पड़ा। बस मैं एक बात भी सुनूंगी तुम दोनों की, उठो चलो, उठो शाबाश, जल्दी करो, देर हो रही है। देखो जरा इसको, वो दो क्या तमाशा लगा दिए इन दोनों ने इस घर पे। बड़ी अम्मी देखा क्या आपने? हाँ देखा, कितना बदतमीज है। और फिर आप लोग मुझे कहते हैं कि इसकी इज्जत करो। हाँ कैसे करो? किचन में चलो, मैं नाश्ता देती हूँ, चलो चलो जाओ। अरे देखो देखो, नन्ही सी दुल्हन आ गई। कौन छोड़ के गया तुम्हें? उसके कपड़े उठा के चलूं कहीं गिर न जाए। अरे जाओ दोनों, क्या मसले क्या? एंजॉय कर, हम तो एंजॉय करने आए हैं, ऐसे भी अब वो हमारी सहेली है। जाओ अपनी अपनी क्लासेस अटेंड करो, अगर संभाल के लेके जाना गिर ना जाए तो आपके प्रोग्राम प्रिंसिपल मैम बुला रही हैं। जाओ जाओ जाओ, जाओ चलो जम के ना गिर, चलो हमें बेटे क्लास में जाना, चलो माँ। मैम मैं आई कम इन? यस कम इन। आपने बुलाया था? एनी बेटा मैंने पहले तो इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब वो नहीं कर सकती। आपको स्कूल के रूल्स पता है ना, ज्वेलरी और मेकअप अलाउ नहीं है। सॉरी मैम, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं खुद नहीं चाहती ये सब करना, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है तो मैं तैयार होकर घर से निकलना होगा। मैम अगर मैं ये सब नहीं पहनूंगी ना तो वो मुझे स्कूल नहीं आने देंगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं
बहुत तंग आई हूँ, मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाती, ना ही मुझसे घर में पढ़ा जाता है ना ही स्कूल में पढ़ा जाता है। मामा मेरा यकीन करें, मैं लड़के स्कूल आती हूँ और अगर मेरे कम नंबर आए ना मुझे यही कह के घर बिठा देंगे। अच्छा रिलैक्स, बैठे इधर आओ बैठो। देखो है नहीं, तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। मैंने तो पहले भी तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन पता नहीं वालदैन को क्या जल्दी होती है शादी करने की। कितनों को समझाती हूँ कि बच्चों को तालीम दो, शोर दो, आने वाली नस्ल को माँ बेहतर कर सकती है ना। चाहे वो जॉब करे या ना करे, तालीम तो कभी ज़ाया नहीं जाती। आगे तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत से मोड़ आएंगे, बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे कंधों पर डाला जाएगा और शायद इन जिम्मेदारियों को उठाने के बोझ में तुम इन किताबों का बोझ ना उठा पाओ। तुम्हें बहुत हिम्मत दिखानी होगी। वादा करो मुझसे कि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। थैंक यू मैम। एक मिनट रुको, ये तुम्हारा सस्पेंशन लेटर है। नहीं मैम, मैम मुझे सस्पेंड ना करें प्लीज। मैं तुम्हें सस्पेंड नहीं कर रही हूँ, ये तुम्हारी फैमिली को समझाने के लिए है कि जिस तरह उनके घर के उसूल है इसी तरह स्कूल के भी कुछ रूल्स होते हैं। और हाँ, बाकी लड़कियों को भी समझा दिया जाएगा कि वो तुम्हें परेशान ना करें, ठीक है? थैंक यू सो मच मैम। एनी, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, ठीक है बेटा? जाओ, शाबाश। ऐसा वो फहीम पुरानी पेमेंट मांग रहा है, उससे कहो कुछ दिनों के लिए रुक जाए भाई। अरे वो कह रहा है पेमेंट नहीं की तो माल उठा लेगा वो। अरे कहां से लाऊं मैं पैसे? सिर्फ खर्चे ही खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। बचत की सुनो तो नजर आ ही नहीं रहा। भाई साहब कारोबार चलाना है तो ये तो करना पड़ेगा। कुछ करता हूं मैं, फिर टालता हूं उसे किसी तरह। करो बात उससे, कहो उससे उसकी पहले कभी हमने कोई पेमेंट रोकी है जो आप रोकेंगे? दे 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 इंशाल्लाह, भागे नहीं चले जा रहे। 3 महीने का वक्त ले ले लो, लेकिन कहां से देंगे हम? ये जो भी देना है। क्या क्या भाई साहब? साइका और फराज का मामला ये भी तो निपटाना है ना? हाँ ये भी। अब कैसे करेंगे आप ये सब? ऐसे करें, ऐसे करना तो है, करना करें। हाँ करना तो है, लगा हुआ हूँ मैं जोड़ तोड़ में लगा हुआ, लेकिन खर्चों के साथ ये सब कुछ करना बड़ा मुश्किल है।
मैं कुछ करूं भाई साहब? Our worship.